तेंदुपत्ता लाभांश वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध। प्रदर्शन करते कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए कांग्रेस पदाधिकारी। मुख्यमंत्री के शहडोल दौरे के बीच 50 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। राहुल गांधी जिंदाबाद एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काला झंडा दिखा रहे थे। हिरासत में लिए गए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पंडित रामकिशोर शुक्ल महाविद्यालय में रखा गया। आज मुख्यमंत्री शहडोल जिले के बेवारी में तेंदुपत्ता संग्रहों को लाभांश वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने एवं क्षेत्रीय समस्याओं और पुरानी घोषणाओं को लेकर काफी नाराज थे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए पूरी खबर शहडोल बेवारी से। दुर्गेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जाने जाते हैं नाम से शिवराज सिंह चौहान। आज जब बेवारी है तो जब कांग्रेस ने जो उनकी पिछली मांग जो घोषणा कर गए थे वो अभी तक पूरी नहीं हुई, आज उन्हीं मांगों को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस सड़कों में थी, तो शिवराज सरकार ने बीजेपी शिवराज सरकार ने पुलिस के बल प्रयोग कर उनके आज सभी को बस में बिठा करके और यहाँ कॉलेज में लेकर रख दिया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमें लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक और अधिकार नहीं है? सिर्फ कांग्रेसी जितने हैं यही पूछना चाहते थे कि आपने जो पिछली घोषणाएं की थी अभी तक पूरी क्यों नहीं हो? आज जिस कॉलेज में लाके शिवराज सरकार ने यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा है, डिटेन करके रखा है, आज उसमें पीजी की घोषणा की थी तो नहीं हुई। आखिर कही जो छल कपट वाले जो झूठ के घोषणा भी है कंस मामा, उनसे पूछना चाहते हैं सभी कांग्रेसी, चाहे वरिष्ठ कांग्रेसी हो, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसए, सभी ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया जिनको आज गिरफ्तार करके लाया गया है। ऐसी तानाशाही कब तक चलेगी? कांग्रेस खुलकर इसका विरोध करेगी और सड़कों पे आगे और जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद।